बहनों का चलेगा, मोटी बहन। हाँ जय सचिदानंद। हाँ ओके, अभी सुनाई देते हैं, बोलो। भक्ति करता कदी हूँ था को नहीं, एवी शक्ति थो मुक्ति भजता कशु ये हूँ याचू नहीं, एवी भरती थो पापो प्रवेशेज नहीं बुद्धि मन द्वार थी, एवी मजबूती दियो चेतन विकल्पी ने कई दुख आपोज नहीं, वृत्ति अहिंसी जहो भक्ति करता कदी ये हूँ ठाकू नहीं, एवी शक्ति दो चित्त चंचलता क्या लपटे ज नहीं, निर्मल स्थिरता दो अंतर शांति वधे हर पल क्षण ऊर्ध्वोदय, एवो आध्यात्म हो मुक्ति भजता कशु ये हूँ याचू नहीं, एवी भरती जो जय सच्चिदानंद। ऐसे बहुत बढ़िया पद आपने तो निकाला। तो इसमें क्या आपने सीखना मिला आपको? हाँ, हमें किसी को दुख नहीं देना है, हमारी वृत्ति अहिंसा होनी चाहिए, और बस मुझे तो इतना ही समझ में आता है। भक्ति ओके, तो भक्ति भक्ति करता है कभी, भक्ति क्या होती है मालूम है आपको? नहीं, प्रदीप दादा, ये जितना बातें करो, भक्ति क्या चीज हो, भक्ति क्या चीज होती है? भक्ति का मतलब होता है टू अप्रोच नियरर एंड नियरर। इतने हम जैसे कि आपको स्कूल में जाना है तो आपको स्कूल कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए कि किस रास्ते पे मैं स्कूल पहुंच सकती हूँ, पहुंच सकता हूँ। तो घर से निकल के स्कूल की ओर चल पड़ना, तो टू अप्रोच नियर, तो थोड़े टाइम में वो स्कूल में आप पहुंच सकते हो। इसी तरह हमें हमारा जो गोल है, हमें किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो उसके पीछे हमें पहली समझदारी होनी चाहिए। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि पहले ज्ञान होना चाहिए फिर बाद में हम भक्ति कर सकते हैं। तो अभी हमें ये पढ़ाई के बारे में, हेल्थ के बारे में और समझो धर्म के बारे में, जैसे आप सत्संग में आते हो तो विधि है, वो हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब ये है चीज क्या, ये क्यों करना है, इसका हमें पूरी जितनी समझ होगी तो हमें फिर इसमें हम सिंसियरिटी अपने आप आती रहती है, आप समझे। तो हाँ ये हमें ज्ञान की जरूरत है। दादा भगवान कैसे थे, जो चीज का जितना ज्ञान है इतनी वो भक्ति कर सकता है। इसी तरह हमें पढ़ाई के अंदर दादा भगवान की जो चरण विधि, नमस्कार विधि जो सब आपको मिला है वो भी सब उसमें है। कि थाकू नहीं मतलब क्या है कि मुझे वो चीज प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए जैसे फिर वो उनका इतना उत्साह होता है, इतनी धगस होती है कि वो फिर वो उनको थकान भूख कुछ भी नहीं लगती है, लेकिन उसकी वैल्यू समझ में आना बहुत जरूरी है, आप समझे ना। जितनी हाँ समझ आएगी, जैसे अपने कीर्तन भक्ति है तो 10 मिनट कीर्तन भक्ति बोलनी है तो कीर्तन भक्ति क्या है, बोलने की क्या जरूरत, त्रिमंत्र क्या है, उनकी जितनी समझ होगी तो वो दिल से बोलेगा, पूरी समझदारी पूरी उत्साह सब के साथ बोलेगा। आपको समझ में आया ना, बोलते तो हाँ सब लोग है लेकिन उनकी अंदर की समझ के हिसाब से उसका परिणाम, उनका फायदा मिलता है, बराबर। ठाकुर ने और दूसरा, पापो प्रवेश नहीं मन बुद्धि,
वो बहुत इस काल में ये मन बुद्धि ये क्या है बहुत समझने जैसा है। अगर समझो कोई किसी व्यक्ति का व्यवहार हम देखते हैं और उसमें लगता है कि फायदा है, तो हमारी बुद्धि बोलते है वो भी करने जैसा है। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, क्योंकि आंख नहीं बोलती है, लेकिन आंख के पीछे जैसा आंख देख सकती है ना, वैसे बुद्धि को ये सब समझ में आता है। फिर अंदर मन बुद्धि पूरा अंतस्करण, जैसे चीज की भी बात है तो वो सब अंदर, ये आप बोलते हो ना मैं कुसंग से दूर रहूंगी, ऐसा सब बोलते हो ना प्रेयर में, तो ये उसका मर्म ये है कि कुसंग से हमारे अंदर पाप का प्रवेश, मतलब नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर होती है। क्या होता है, ऐसे अंदर परिणाम, ऐसे भाव खड़े हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, इसमें मजा है, इसमें सुख है। आप समझ में आए? आप जल्दी क्यों नहीं उठ पाते? पीछे मन बुद्धि है। क्या है, आपको एक्सरसाइज कौन करने नहीं देता है? उसके पीछे मन बुद्धि है। आपको समझ में आया? हाँ, बाद में करता हूं, बाद में करती हूँ, ऐसा होता है ना कभी? होता हाँ, ऐसे ऐसे नहीं हो, उससे चित। और दूसरा जो चित के बारे में बताया है, वो आपको सभी को, आपको नहीं सभी को ये समझने जैसी बात है। चित मेना ज्ञान दर्शन। हम जैसे जैसे वातावरण में और जैसे साधनों का हम उपयोग करेंगे और जैसे अंदर जो भी अंदर चीजें सब आती रहती है, लाइक टीवी, लाइक मोबाइल, आप समझे ना। फिर बाहर हम सबके बाहर घूमने जाते हैं तो हर जगह पे हमारा जो चित है वो फंसता जाता है, जिसको दादा भगवान ने तत्व की भाषा में बताया कि अशुद्ध होता जाता है। क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाई में इसमें इंटरेस्ट कम कभी कभी नहीं आता, ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, होता है। अरे यार, क्या पढ़ने का बाद में करेंगे। और कई और जगह पे मन बुद्धि और चित में अंदर जब पढ़ाई करते हो तो आप एग्जाम्पल देख, मैं बताता हूँ कि आप पढ़ने बैठो और चित में कुछ दूसरी अंदर चीज चलती होगी तो आपने क्या पढ़ा वो पता नहीं चलेगा, ऐसा होता है ना कभी कभी? हाँ। कारण चीत है, चीत कहीं घूमने चला जाता है। क्या आप बैठे हो किताब लेके, लेकिन स्कूल में फ्रेंड्स के पास। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? कोई इंसिडेंस हो गया तो इसमें चलता रहता है। तो हमें ये दादा भगवान का त्रिमंत्र, प्रतिक्रमण, ये विधि सब है, उसको बहुत समझ के साथ हम पढ़ेंगे तो हम रेगुलर करेंगे तो हमारा बहुत फायदा है। इसमें हमारा हर प्रकार का जो पद में लिखा है वो सभी चीज हमारे में शक्ति खुली होती जाएगी, मतलब जो पाप का प्रवेश एंट्री नहीं मिलेगी। वो समझ में आया? तो अंदर ऐसी शक्ति है वो अपने आप खुली होती जाती है। जैसे चित की मैंने बात बताई, हर चीज आपको अंदर से समझ में आएगा, किसी को दुख नहीं देना, वो बात आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए सत्संग में पड़े रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर आप सत्संग में कम कोई संजोग के हिसाब से नहीं आ सकते हो तो दादा का जो दिया हुआ जो विधि वगैरह है, वो किताब है, पद है, उसका टच रखने जैसा है। क्या ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा ये क्या कीमती चीज है, समझे? फिर भी आप बहुत पुण्यशाली है, लाभ उठाना। हाँ, चलो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।